हेलो दोस्तों, शड़ी मूड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2010 का पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। 100 क्वेश्चन होगा इसमें। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 1 मई 2010 को, और उसके बाद मिस की उसके पहले भी हुआ था 14 अप्रैल 2010 को। तो 14 अप्रैल 2010 को लास्ट हुआ था, और 2017 से लेकर हम लोग 2010 तक पूरा पेपर डिस्कशन कर लेंगे। मात्र ये एक वीडियो, और इसके बाद आएगा आपका 2010 का अप्रैल में जो हुआ था। और सारा का सारा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाइए और देख लीजिए। 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है, जो जातिवाचक संज्ञा से बनता है। संज्ञा के बारे में भी मैंने आपको पूरा लिस्ट बना दिया प्लेलिस्ट में, हिंदी ग्रामर के बारे में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन है? तो पहले जो जाति बताता है जातिवाचक, तो इसमें क्या वो लड़का, लड़का किसी लड़का लड़की जो होता है, लड़का लड़की का जाति बताता है, ठीक। और इससे क्या बन रहा है? भाववाचक मीन्स की लड़कपन, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पहला का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए कि सज्जन का भी पृथक शब्द क्या होता है, मीन्स की अपोजिट। तो जो सज्जन का होता है यह दुर्जन होता है। सज्जन पुरुष का क्या होता है? दुर्जन होता है सज्जन का। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही क्या है? संधि विच्छेद बताना है, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? भारत धन इंदु, भारतेंदु का हो जाएगा, ठीक। नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ शब्द कैसा है? रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? तो रूढ़ तो स्वतंत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और जो यौगिक और एक योग रूढ़ बचता है। तो ये नीलकंठ शब्द कैसा है? तो ये एक यौगिक शब्द है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के स्वरनाम और स्वरनामिक विशेषण का वाक्य है। स्वरनाम और स्वरनामिक विशेषण इसमें से वाक्य है, पूछ रहा है ये कौन है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ये स्वरनाम और स्वरनामी विशेषण का वाक्य है। यह पुस्तक किसकी है? मेरी है, और वह किसकी है? तुम्हारी है, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, जो हलंत का प्रयोग किया जाता है वो पूछ रहा है, ठीक। तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, यहाँ पर देखिए, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए ही उसमें हलंत लगाया जाता है, ठीक। 6 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संकेतवाचक अवयव वाक्य है, जो संकेत कर रहा है। तो संकेतवाचक अवयव वाक्य इसमें से बताना है आपको क्या है, ठीक। तो यह गिलास आधा भरा है, ये संकेत दे रहा है। कितना भरा है? आधा भरा है। तो यह गिलास आधा भरा है, ये संकेतवाचक अवयव वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थमक निपात कौन सा है? ये प्रश्नात्मक निपात पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? तो क्या 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 कैसे क्यों, ये सब क्या होता है? प्रश्नवाचक निपात मीन्स की वाक्य होते हैं, यहाँ पर वाक्य भी, ठीक। तो शब्द भी, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक नहीं लगा दिया जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब प्रश्नवाचक, क्या क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि निम्न में से कौन आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया इसमें बताना है आपको कौन सी है। इसमें जो है वह रोने लगा, ये क्या है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, वो क्या होने, रोने लगा, ठीक। रो रहा भी है, ठीक, इसके रोने लगा, आरंभ भी कर रहा है रोना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में स्वरनाम पदों की संख्या है, स्वरनाम इसमें पद बताना है कितने हैं। कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ठीक। तो इसमें 3 है, इसमें जो क्या पूछ रहा है, इसमें से स्वरनाम पद पूछ रहा है। स्वरनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होता है, या संज्ञा, जैसे कि संज्ञा क्या होता है, नाम उम, जैसे हो गया कि अमित या आपका अजय, अभय या जो भी, ऋतुराज, इसके स्थान पर अगर वह, तुम, मतलब ये लोग, ये सब क्या हुआ? स्वरनाम हुआ, जब उपयोग किया जाता है। तो इसी में पूछ रहा है स्वरनाम, इसमें से पद कौन कौन है, तो ये कितने हैं ये पूछ रहा है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 स्वरनाम पद है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, जिस क्रिया के फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिएगा, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा, ऑन होगा, इन होगा, फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसमें करना है। तो यहाँ पर आप क्या लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, ठीक, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है, ठीक। ये इसमें से द डॉक्टर हैज़ बिन लिविंग हेयर फ्रॉम, ये द डॉक्टर हैज़ इज लिविंग हेयर सिंस 2015, द डॉक्टर हैज़ बिन
लिविंग हेयर सिंस 2050, ये वाला सही होना चाहिए, 13 के आंसर सही होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कि पिक आउट द राइट वर्ड, इसमें से राइट वर्ड जो होता है वो आपको छांटना है कौन सा है। ठीक, तो ये ओकेजनली ऐसे होता है, ओकेजनली जो होता है, ठीक, ये डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, इसमें पूछ रहा है कि ऑनेस्ट का क्या होगा, तो ऑनेस्ट का क्या होता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, एंटोसाइनिम्स अपोजिट। अब आइए सामाजिक अध्ययन, जो भी कि आपकी साइंस से भी क्वेश्चन, अदर मीन्स की साइंस से क्वेश्चन भी होगा इसमें, और आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। मैंने ये बताया था कि उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना प्रस्ताव भी बोला जाता है। ठीक, तो इसका जो रचना भी किए थे कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हैं। और भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो ये संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत जो होता है वही सबसे बड़ा कलह का इंडिया में होता है, तो मांटो मिर्लो जो सुधार आया था, मार्लो मिंटो सुधार, क्वेश्चन 9 में आया था। ठीक, यह क्या हुआ, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था। ठीक, पृथक निर्वाचन पद्धति मीन्स की मुसलमान जो, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जो जो ये धर्म की इंडिया में लोग रहते थे, तो मुसलमान के लिए सिर्फ कि मुसलमान का प्रतिनिधि खड़ा होगा और उसमें मुसलमान ही वोट डालेंगे, सिख के लिए सिख ही प्रतिनिधि खड़ा होगा उसमें सिख ही वोट डालेंगे। ठीक, ऐसे ही अलग अलग जो जात बोला गया था कि अलग अलग जाति धर्म के लोग को, अभी हम लोग को ये निर्वाचन जो है ये पृथक निर्वाचन नहीं है। ठीक, अभी हम लोग आरक्षण का व्यवस्था किया, मीन्स कि आरक्षित और सुरक्षित सीट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके लोकसभा का आरक्षित सीट है, मीन्स कि वहाँ पर मान लीजिए कि SST के लोग खड़े हो रहे हैं लेकिन वोट डाले जाएंगे सभी लोग। ठीक, तो ऐसे कर सीट का बंटवारा भी हुआ है, पृथक निर्वाचन नहीं अपनाया गया है भारत में। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन मार्लो मिंटो सुधार में, जब आज़ादी तक नहीं हुआ था, ये सब प्रक्रिया चालू था, पृथक निर्वाचन वाला, 17 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता या मृत्यु, दोनों में से एक चाहिए, ये अमेरिकी क्रांति का नारा था। ठीक, ये नारा था। ठीक, तो 18 के आंसर बी, प्रतिनिधित्व में नहीं तो कर नहीं भी नारा, ये भी अमेरिकन का ही नारा था, अमेरिकी सेना द्वारा, अमेरिकी क्रांति में या अमेरिकी सेना द्वारा मृत्यु, स्वतंत्रता या मृत्यु था, और प्रतिनिधित्व में नहीं तो कर, ये अमेरिकी जो अब चालू किया गया था ये, ठीक, उसका नारा था अमेरिकी क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 19 भी उसी से संबंधित है कि बोस्टन बंदरगाह, जो क्वेश्चन है अमेरिका से ही, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को नाम से जाना जाता है बोस्टन चाय टी पार्टी, टी मिस होता है चाय, तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में जो चाय का उत्पादन होता है वो असम में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिए, कॉफ़ी जो होता है ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, आपको मसाला जो होता है ये केरल में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, होलैंड, लक्समबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक संधि, सैनिक संधि की है, जिसे कहा जाता है, ये सैनिक संधि को क्या कहा जाता है, तो नाटो वाला सैनिक संधि कहा जाता है, नाटो। नाटो सैनिक संधि में क्या होता है कि एक देश पर कोई आक्रमण करेगा तो वो सब लोग मिलकर आक्रमण करेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य थे, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अस्थायी सदस्य पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें पूछ रहा है थे, अस्थायी सदस्य थे, तो ये आपको बताना है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं पूछ रहा है, ये राष्ट्र संघ जो हुआ बना था उसमें पूछ रहा है, इसके आंसर डी हो जाएगा, जब राष्ट्र संघ उससे पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले बना था, अस्थायी सदस्य, ये याद रखिएगा। अभी वाला नहीं कि जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, UN, यूनाइटेड नेशन का बात ये नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है उसमें अस्थायी सदस्य कौन कौन थे, तो अस्थायी सदस्य थे है उसमें 5, और अस्थायी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद का बात हम करें 10 है उसमें। अस्थायी सदस्य में कौन कौन आता है, तो एक आता है ब्रिटेन, एक आता है USA, एक आता है चीन, एक आता है फ्रांस, और एक आता है आपका रूस, ये अस्थायी सदस्य होते हैं और इनके पास वीटो की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 22 के, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण पूछ रहा है इसमें से कि क्या था, इसमें क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, जर्मनी का इच्छा, इटली का दावा, हंगरी का स्टेरियस अलग कर दिया गया। देखिए, त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था,
वही मुख्य कारण बन गया था जो हुआ था ये प्रथम विश्वयुद्ध। पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, जो पाषाण युग में काटा जाता था उसे किससे काटा जाता है उससे पूछा रहा है वो। ठीक, ये 23 के आंसर क्या हो जाएगा, 23 के आंसर आप आसानी से कहिएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गड़ासा पाषाण युग में हुआ था। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ है, गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ ये पूछ रहा है ये कौन थे। ठीक, तो गुप्त काल के दे रहा है कालिदास दे रहा है, आर्यभट्ट दे रहा है, वराहमिहिर दे रहा है, विशाखादत्त दे रहा है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कौन थे। तो देखिए गुप्त काल में तो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। ठीक, तो लेकिन गुप्त काल को प्राचीन युग का स्वर्ण युग भी बोला जाता है, और आर्यभट्ट जो थे ये जीरो का खोज किए थे, भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, और आर्यभट्ट यही ने बताया था कि जो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताए थे। ठीक, वैसे गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ बाहर वराहमिहिर थे, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे वराहमिहिर, और आर्यभट्ट को भी गणितज्ञ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा 24 का आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल में जो थे वो वराहमिहिर बहुत बड़े गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 25, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था, जो अलाई दरवाजा है ये किसके शासनकाल में बना था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था, और भारत की इसे द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, याद रखिएगा, घोड़े को दागना चेहरा पाशाना प्रथा इसी ने शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, जो राजा राम मोहन राय चलाए थे सुधार आंदोलन वो उसका नाम पूछ रहा है कि वो क्या था, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ये चलाए थे इसमें, और राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक मिलकर दोनों का मिली जुली था 1829 में सती प्रथा का भारत से उन्मूलन हुआ था। ठीक, रोक लगा था, तो 26 का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है चलाया गया था तो ये ब्रह्म समाज वाला चलाया गया था, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया गया था वो अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसको मैडम ब्लावत्स्की द्वारा किया गया था। ठीक, याद रखिएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी, जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो कनाडा और यूएसए में हुई थी, याद रखिएगा, कनाडा और यूएसए में हुई थी गदर पार्टी का स्थापना। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ किया, जो भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह है ये हमारे बिहार चंपारण से ही नील की खेती जो तिनकटिया व्यवस्था था उसके ही विरुद्ध में किया गया था। ठीक, और ये चंपारण जो है यहाँ पर किया गया था, बिहार में स्थित है चंपारण, चंपारण दो बन गया है, एक पूर्वी चंपारण एक पश्चिमी चंपारण। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये कब किया गया था, तो 1917 में सबसे पहला जो आंदोलन शुरुआत किया गया था सत्याग्रह वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और सफल भी हुए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, जो असहयोग आंदोलन है ये पूछ रहा है कब शुरुआत किया गया था। ठीक, तो ये असहयोग आंदोलन 1922 में ख़त्म भी हो गया था, तो असहयोग आंदोलन जो शुरुआत किया गया था ये 1920 में शुरुआत किया था, फिर चोरा चोरी हत्याकांड आया था, चोरा चोरी कांड वाला। ठीक, 1922 में, ठीक, चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में स्थित था, वहीं पर, तो फिर ये गांधी जी वापस भी ले लिए थे, फिर गांधी जी को गिरफ्तार भी कर 6 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया था, और उसी के बीच में नेता नहीं रहे थे तो उसमें के बीच में कांग्रेस में दरार भी पड़ा था। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, जो इक्वाडोर के चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है ये शांत में आता है, इसमें आता है शांत में आता है। ठीक, भारत का ज्वालामुखी जो है, ठीक, वो कहाँ पाया जाता है, जैसे बैरल द्वीप हुआ ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक, विषुवतीय रेखा क्षेत्र सघन वन लाभदायक है, जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र है सघन वन लाभदायक है किसके लिए है ये पूछ रहा है। ठीक, तो जो विषुवतीय रेखा होता है, विषुवतीय रेखा दिखे, विषुवत रेखा कौन होता है, यही ना होता है विषुवत रेखा, जो रोडिग्री अक्षांश रेखा जो होता है ये विषुवत रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इसके रेखीय क्षेत्र एक अगल बगल क्षेत्र वाला जो है सघन वन पाया जाता है और वो लाभदायक होता है, किसके लिए लाभदायक होता है ये पूछ रहा है, तो वहाँ पर जड़ी बूटी के लिए ये भी लाभदायक होता है, आपको इसके लिए भी लाभदायक होता है, आपके अच्छे लकड़ी के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक, कृषि के लिए नहीं होगा, इसमें से खनिज पदार्थ के लिए भी नहीं होगा। ठीक, बाकी इमारती लकड़ी भी आप अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो लगा सकते हैं कि जड़ी बूटी भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता है, जड़ी बूटी तो आपको हिमालय वाले क्षेत्र में भी मिलता है। आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे, जो ग्लास हाउस होता है उसमें सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे, ये टुंड्रा प्रदेश में उगाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में ग्लास हाउस बनाकर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है उसके समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है, ताप जो होता है वो छोटे केंद्र में होता है। ठीक, ताप क्या होता है, छोटे केंद्र में होता है,
याद रखिएगा। अब ये जैसे कि ये मान लीजिए है, ये विषुवत रेखा हुआ, इस पर सूरज एकदम लंबवत रहता है भर साल तक, इसकी सालों भर, इस पर क्या है, इतना ही क्षेत्र में जो है ना ये ताप क्या आता है, इतना ही क्षेत्र में पूरा लंबवत रहता है और ये छोटे पर क्षेत्र पर रहता है तो इसलिए केंद्रित रहता है सालों भर, इसलिए तापमान अधिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 34 का ए हो जाए, 34 का जो ऑप्शन लगाइएगा ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि अग्नेय शैल में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। अग्नेय शैल जो अग्नेय चट्टान होते हैं, कांतरिक चट्टान होते हैं और औषधि चट्टान होते हैं, जो ज़्यादातर जीवाश्म होता है, जीवाश्म वसला फसल शिल होता है, वो औषधि चट्टान में ही पाए जाते हैं। या पूछ रहा है कि अग्नेय शैल में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, अग्नेय जो शैल होता है उसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें पत्थेदार चट्टान नहीं पाए जाते हैं, जो पत्थेदार चट्टान होते हैं ये नहीं पाए जाते, ये कैंतरिक चट्टान में पाए जाते हैं। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि मैंगबा से ठंडे होने के कारण ये बने होते हैं, सील और डाइक पाए जाते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी क्या है, एक अग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है, ठीक ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन सा खाग फसल नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा खाग फसल नहीं है। ठीक, ये चाय नहीं है, और भारत में सबसे ज़्यादा खाग फसल जो है चावल ही है उत्पादन होता है, चाय ये खाग फसल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। विषम जलवायु जो जलवायु प्रकार है उसके लिए सबसे उत्तरदायी कारक है ये कौन सा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये सागर से दूरी हो जाएगा, सागर में समुद्र से जैसे जैसे दूरी होता है वहाँ पर क्या होता है, जलवायु भी विषम होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला सशक्तता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 2001 नहीं, 2011 के अनुसार भी देखिएगा तो यही होगा, क्योंकि ये 2001 इसलिए दिया है कि जो ये 2010 का क्वेश्चन है। अब 2011 वाला भी क्वेश्चन आया था कि 2011 के अनुसार कौन से सबसे शिक्षित राज्य है, ठीक जनगणना के अनुसार, ये 2010 में दिया था क्योंकि 2010 में लास्ट हो रहा था, 2011 में जनगणना हुआ, 10 साल पर होता है जनगणना, सीओसो कराता है, ठीक प्रत्येक 10 साल पर, सबसे पहले बार हुआ था 1872 में और प्रत्येक 10 साल पर 1881 से होने शुरू हो गया था। ठीक, जनगणना भारतीय जनगणना केंद्र सरकार कराता है, तो कराता है। 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला सशक्तता सबसे अधिक है, तो केरल में था, पहले भी था और अब भी था। 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 38 का आंसर आप लगा लीजिएगा डी, महिला भी और पुरुष भी और ओवरऑल भी सशक्तता केरल का ज़्यादा है। केरल का मसालों का बगीचा बोला जाता है, सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में केरल में ही आए थे कालीकट बंदरगाह पर, ठीक याद रखिएगा, 38 का आंसर डी हो जाएगा। और सबसे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो बिहार आता है, बिहार क्या आता है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां रैंक आता है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 15वें रैंक पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व हुआ कि 1 किलोमीटर में रहने वाले प्रति मतलब व्यक्तियों की संख्या। अब जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर आता है क्या बिहार आता है। बिहार में कितने हैं लोकसभा के सीट, तो 40 लोकसभा के सीट है, 16 राज्यसभा के सीट है, और विधानसभा के सीट कितना है, तो 243 विधानसभा के सीट है और 75 विधान परिषद के सीट है। याद रखिएगा यहाँ पर 38 जिले हैं। लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला है, जो लिग्नाइट होता है ये कोयला किस प्रकार की कोयला है ये पूछ रहा है, तो उत्तम कोटि दे रहा है, सामान्य प्रकार के, मध्यम प्रकार के या निम्न प्रकार के, ये आपको बताना है। ये क्या होता है, निम्न प्रकार का होता है लिग्नाइट। सबसे उत्तम कोटि के जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे उत्तम कोटि का होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। गेहूँ किस जलवायु की फसल है, गेहूँ जो है वो किस जलवायु में उगाया जाता है, किस जलवायु की फसल है, ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूँ के उत्पादन में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है, और प्रति हेक्टेयर से देखा जाए तो वो पंजाब में होता है, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा मीन्स की देखा जाए तो, और सबसे ज़्यादा चावल का होता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, जो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये घाटशिला में स्थित है, कहाँ पर है, घाटशिला में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूँ के उत्पादन में प्रस्थान स्थान है, देखिए आ गया क्वेश्चन, कौन से स्थान रहता है प्रथम स्थान रहता है, तो ये उत्तर प्रदेश रहता है, प्रथम स्थान रहता है गेहूँ के उत्पादन में। ठीक, जूट के उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार दूसरे स्थान पर आता है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है, वायुमंडल के विभिन्न विभिन्न परत हैं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आप देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 20-21% आपको ऑक्सीजन, 0.03% आपको CO2 पाया जाता है। वायुमंडल का सबसे जो नज़दीक वाला परत होता है उसमें क्षोभ मंडल होता है, जो भी मौसमी घटनाएं, बादल बनना, बिजली चमकना, जो भी ये मौसमी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती है, आंधी तूफान। ठीक, इसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाया जाता है और समताप मंडल में ही पाया जाता है बीचों में ओजोन स्फीयर में, इसके ओजोनो मंडल पाया जाता है। ठीक, इसको O3 द्वारा इंडिकेट किया जाता है ओजोन मंडल को, और इसको विघटनकारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाता है। ठीक, सड़े हुए मछली की तरह से गंध होता है ओजोन का,
और फिर उसके ये देखिए आयन मंडल आयनोस्फेयर जो आयन मंडल होता है वही रेडियो या टीवी वाला जो भी चलता है तरंग जो वहाँ से परिवर्तित किया जाता है वो आयन मंडल से किया जाता है ठीक। तो 43 का आंसर सी हो जाएगा, यही पूछ रहा था जो तरंगे होती हैं। स्टेलेक्टाइट असलाकृति का निर्माण होता है, जो स्टेलेक्टाइट यह है आकृति है असलाकृति है उसका निर्माण होता है ये पूछ रहा है, ये किसके द्वारा? तो भूमिगत जल द्वारा होता है। मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको जब मास्टर वीडियो करा रहा था ज्योग्राफी का, तो ठीक उसमें क्या होता है भूमिगत जल द्वारा भूमि के अंदर ही जल ऐसे से प्रवाहित होता है तो वैसे आकृति बनता है ठीक। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? देखिए मैंने बताया था आपको टी के लिए कि असम सबसे ज़्यादा टी होता है, लेकिन दार्जिलिंग टी को इंडिकेटर भी मिला हुआ है, जी आई टैग भी मिला हुआ है दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग जो है जिला है ना ये किसका जिला है? ये पश्चिम बंगाल का जिला है ठीक। इसको अलग करने के भी मांग उठते रहता है, ये पश्चिम बंगाल का जिला है, असम का नहीं लगाइएगा। चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है, लेकिन अगर शहर का कोई नाम देता है या जिला का तो दार्जिलिंग टी विश्वविख्यात है ठीक। मेघालय जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मानसीराम है, मानसीराम चेरापूंजी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है मेघालय में, विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश। सिक्किम जो है ये आपको जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है ठीक। और आपको यहाँ पर सिक्किम आप देख सकते हैं कि सिक्किम में ही एक अभी उर्वरक बिना उर्वरक का इस्तेमाल कृषि किया जा रहा है, ऑर्गेनिक कृषि। सिक्किम ने यह भी घोषणा किया कि प्रत्येक परिवार वालों को लिए एक जॉब के लिए दिया जाएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ महीने पहले ही यह घोषणा किया है। आज का दिन हो गया आपका 8 जून 2019। बिहार तो आप जान ही रहे हैं, बिहार क्यों नाम इसका पड़ा आपको पता है? बिहार इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिहार पहले बोला जाता है। देखिए बिहार मीन्स होता है कि जहाँ बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध लोग निवास करते थे ना, वहाँ रहते थे, उसको बिहार बोला जाता था वहाँ पर। तो बौद्ध धर्म का उद्भव ही बिहार ही माना जाता है सबसे ज़्यादा। बिहार में ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, जो विधान परिषद दे रहा है ठीक। तो विधान परिषद मुख्यतः 7 से 8 ही राज्य में है विधान परिषद, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, कर्नाटक हुआ, यहाँ पर बिहार हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कुछ ही राज्य है जहाँ पर क्या है विधान परिषद है। बाकी 2900 राज्य में विधानसभा है, और दिल्ली और पांडुचेरी में भी विधानसभा है। मुख्यतः विधानसभा हर राज्य में होता है, लेकिन दो केंद्र शासित राज्य भी है दिल्ली और पांडुचेरी, जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री लोग बनते हैं ठीक। बाकी और राज्यों में प्रशासक नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन किया जाता है, प्रशासक राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ठीक। यहाँ पर देखिए विधान परिषद जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और विधानसभा जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है विधान परिषद का? ये नहीं होगा, यहाँ 6 वर्ष कहाँ गया, बी हो जाएगा इसका आंसर 46 का। नीति निर्देशक तत्व सरकार का मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं सरकार के मार्गदर्शन हेतु, जोड़े गए थे संविधान में, पहले से ही थे, जोड़े नहीं गए थे, पहले से ही थे। फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार भी था। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान द्वारा दिए गए हैं। और ये कौन से संविधान से लिए गए थे हमारे संविधान में? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए हैं। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन मिलता है ठीक। और एक आर्टिकल 40 भी याद रखिएगा, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, 51, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और मैं सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर एक अलग से वीडियो लेकर योग करा दिया हूँ ठीक, आपको वहाँ से आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो बेलिश्वा संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था। बेलिश्वा संविधान संशोधन में बहुत से ऐसे कार्य किए गए थे फेरबदल, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके छोटा संविधान बोला जाता है ठीक। अब इसमें क्या हुआ था, जैसे कि आपको मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि संविधान के भाग 4A में जोड़े गए, जो USSR के संविधान से लिए गए हैं ठीक। तो ऐसे बहुत से ऐसे किए गए थे। आपको प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन हुआ है वो उसी समय हुआ था, जिसमें जोड़ा गया था अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड ऐसे कर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पंचायती राज संस्थानों की जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग है, जिला स्तर पर पूछ रहा है पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था ठीक है। तो ये पूछ रहा है पंचायती राज संस्थानों के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन सा होता है? सबसे छोटा तो ग्राम पर होता है, ग्राम पंचायत छोटा ठीक, ग्राम होता है, ग्राम सभा जो होता है छोटा सबसे अंग होता है इसका ठीक है पंचायती राज का। ये पूछ रहा है कि पंचायती राज का जिला स्तर पर क्या होता है मुख्य? तो पंचायती राज का जिला स्तर पर जो होता है वो जिला परिषद होता है ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है राज्य में, राज्य का बात कर रहा है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों नहीं है, वो कौन सा राज्य है? तो वो केरल है, केरल राज्य में दोनों नहीं है। इसका 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी बिहार देखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे 7 राज्यों में क्या है आपके द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं।
49 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इसमें दूसरा धनात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए कि पंचशील निम्न में से देशों के बीच समझौता है, जो पंचशील समझौता है ये किन दो देशों के बीच का समझौता है ये आपको बताना है। तो ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन क्या है, अस्थायी सदस्य है। किसका अस्थायी सदस्य है, मैंने ऊपर बताया था ना ये पांच अस्थायी सदस्य है, ये किसका अस्थायी सदस्य है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का, और इनके पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति कहने का मतलब क्या, कोई भी जैसे कि सुरक्षा परिषद में कोई भी पास हो रहा है उस पर ये वीटो अपना इस्तेमाल कर देंगे तो फिर वो कोई भी पास नहीं कर सकता है, कोई भी जो भी पास होता है, ठीक है देश। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी, संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है भारत ने, दी थी ये भारतीय शांति सेना, वो जो शांति सेना कहलाता ही है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सेना होता है उसे हम लोग शांति सेना ही कहते हैं, ठीक, वो शांति बहाल करने के लिए सेना होता है, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है, भारत का सबसे ज़्यादा आर्मी जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 52 देख लिए कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना हुआ गया। क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बात कर रहा है इसमें, ये जो है ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है, मैंने ये क्वेश्चन पॉलिटी में आपको कराया है, ठीक, ये सी आप लगा दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, जो सार्क का मुख्य भूमिका निभाता है, सार्क जो साउथ एशियन वाला है, ठीक, इसमें जो निभाता है मुख्य भूमिका वो पूछ रहा है कौन ही है, तो भारत ही है, ठीक, जो सार्क में है इसमें से ये भारत ही है, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक, भारत जो है उसमें अमेरिका से तीन जो भाग तीन में जोड़े गए थे वो मौलिक अधिकार लिए गए थे, भाग तीन को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार है, 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 300A में जोड़ दिया, उसे लीगल राइट बना दिया गया, अब 6 अधिकार है, 6 अधिकार में समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 आर्टिकल, ठीक, और आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, अल्पसंख्यक का अधिकार 29 और 30, और आपको संवैधानिक ये उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ऐसे 6 अधिकार होते हैं। ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो इसमें कौन सा अधिकार नहीं हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, अभी जो आपका स्वतंत्रता जीवन का स्वतंत्रता ये सब, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, बाकी ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान में एक लिखित संविधान है जिसमें 395 आपको आर्टिकल मिलेगा, 22 भाग मिलेगा, 12 अनुसूचियां मिलेगी, ठीक, अब तो भागों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गया है, भागों की संख्या 25 हो गया, 25 कैसे हुआ है, तो मानिए कि 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन कर एक भाग और चौथा के ए जोड़ा गया था, ये भी तो एक भाग जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य के तौर पर, फिर जैसे जैसे संशोधन हुआ आपको वैसे वैसे जोड़ा गया था, ठीक, जैसे कि 9A, B, C ये जोड़ा गया था आपके जो पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब का जब स्थापना हुआ था तो जोड़ा गया था, ऐसे कर 25 भाग हो चुके हैं, ठीक। अब देखिए मैं आपको बात इस यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये एक अलिखित दिया है, अलिखित संविधान है भारत में, अलिखित संविधान नहीं है भारत का, पूर्णतः लिखित संविधान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र होती है, उच्च न्यायालय का कल मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसका रिटायरमेंट 62 साल पर होता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसका होता है 65 साल पर, याद रखिएगा, ठीक। तो उच्च न्यायालय का 62 हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय 1916 में गठित हुआ था, याद रखिएगा, और जो उच्च न्यायालय है, ठीक, ये उच्च न्यायालय अभी 25 उच्च न्यायालय है, क्योंकि 25वां उच्च न्यायालय नया बना है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अभी 46वें जो बने थे मुख्य न्यायाधीश वो रंजन गोगोई जी हैं, इससे पहले 45वें दीपक मिश्रा थे मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो संप्रभुता होता है, संप्रभुता जो होता है वो राज्य का सबसे मूलभूत तत्व होता है, याद रखिएगा, ठीक, किसी के बाहरी का हस्तक्षेप ना हो, ठीक, ये संप्रभुता ही निर्धारित करता है, तो 58 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, जो बाल आपातकाल खंड का लघु रूप है, ये बार बार न्यूज़ में आप सुनते होंगे, कौन सा, यूनिसेफ, ये बाल आपातकाल फंड का है, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है,
किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका बी देखिए कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल की नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं, ये संसद नहीं करती है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह पूछ रहा है राज्यपाल के संबंध में कौन गलत है, तो ये बी वाला गलत है। बाकी आप वीडियो को रोक कर देखकर सारा पढ़ लीजिएगा, ये तीनों सही जो था। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए कि तरंग जो धातुओं से संचारित होती है, जो धातुओं से संचारित होती है उस तरंग के बारे में बताना है, ठीक, ये कौन सी तरंगे हैं, तो ये अनुप्रस्थ अनुधरत दोनों होती है, ठीक, ये सी हो जाएगा इसका, ठीक, याद रखिएगा। धातुओं में संचरित होती है, संचारित नहीं, संचरित होती है जो धातु में, या दोनों हो जाएगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, जो चाबी भरी घड़ी होती है उसकी कमानी में मिस की कौन सी ऊर्जा होती है, तो अस्थैतिक ऊर्जा होती है, ठीक, कौन सी ऊर्जा होती है, अस्थैतिक ऊर्जा होती है, और वहीं क्या बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जैसे घड़ी आपको चलता है, या आप तीर जो है, तीर ऐसे तीर धनुष होता है ना, तीर आप खींच कर ताने हुए हैं, जब तक छोड़े नहीं है उसमें कौन सी ऊर्जा है, अस्थैतिक ऊर्जा, जब छोड़ देते हैं तो वहीं अस्थैतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल देता है, और वहीं गतिज ऊर्जा और अस्थैतिक ऊर्जा दोनों मिल जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर 62 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 63 का कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष के घटक क्या होगा, ये पूछ रहा है, तो इसका आप लगाइएगा एक्स और वाई अक्ष बनाकर आप लगाइएगा 50 न्यूटन 30 न्यूटन, तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40 न्यूटन, ऐसे कर ये बनाइएगा तो ये 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ पर 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बल्ब को मिश्रित किया जाए, मिश्रित करने के लिए फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा वो साइंस में, ठीक, ये आपके 10th में भी दिया होगा, तो केमिस्ट्री में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ये बी आ जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, इतना पर आप मिश्रित करते हैं तो, ठीक, ये इसको इतना पर और इसको इतना पर करते हैं तो। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर काम करता है वो कहलाता है, जो रॉकेट छोड़ा जाता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये गति के तृतीय नियम पर काम करता है। गति के तृतीय नियम क्या होता है, उसमें प्रतिरोधक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट में, इसमें क्या होता है, जो गति के तीन नियम दिए गए थे ये न्यूटन साहब के द्वारा दिए गए थे, मानव वैज्ञानिक न्यूटन, तो न्यूटन ने दिए थे जो तृतीय नियम, वो कहे थे कि आपको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक, तो वहीं कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट में जो प्रतिरोधक बल होता है वो पीछे से धक्का लगाता है ऊपर की तरफ, इसके पीछे बगल एनर्जी फेंकता है और रॉकेट ऊपर बगल आपको उड़ता है, ठीक, तो 65 के आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप ऊंचाई ज्ञात कर लीजिएगा आपका, ठीक, एस वाला भी फॉर्मूला आप लगा कर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एच लगा दीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा, तो हाइट के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर जो दूरी है ये हाइट हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक, तो ऐसे कर कर आप फॉर्मूला लगा कर इसे बनाइएगा तो आसानी से निकल कर आंसर आ जाएगा कितना, 78.4 मीटर। ये क्वेश्चन ये सब इसलिए नहीं साइंस के बता रहे कि काफ़ी लंबे वीडियो हो जाएगा, और एक वीडियो और आपको बताना है, एक और प्रश्न पत्र बनाना है जो 14 अप्रैल 2010 को हुआ था, उसको भी अपलोड करना है, क्योंकि आपके एग्जाम एकदम बहुत ही नज़दीक आ गया है फॉरेस्ट गार्ड का। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंबों और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे के उपयोग किए जाते हैं, 30 दिन में 1 महीने में उपयोग किए गए यूनिट बताइए, 1000 किलो वाट जो होता है ना, 1000, ठीक, उसे किलो वाट बोला जाता है, 1 किलो वाट को ही 1 यूनिट बोला जाता है, तो वैसे कर आप निकाल लीजिएगा कितना यूनिट कितना ये आपको हो रहा है, ठीक, घर में कितने वाट आ रहा है, और वाट को उससे 1000 से भागा देकर आप यूनिट निकाल सकते हैं, और यूनिट अगर पैसे में निकालना हो तो 1 यूनिट का पैसा दिया रहता है कौन कौन क्वेश्चन में, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जब निकालिएगा कि 1 महीने में किए गए कुल यूनिट कितना है, तो 108 यूनिट आ जाएगा, और इसे वाट में बदलिएगा तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर दीजिएगा तो ये इतना वाट आ जाएगा, ठीक, तो इतना 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 उपयोग करने पर इतना ही आएगा वाट, और 1000 वाट में 1 यूनिट होता है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए कि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति को हॉर्ट्ज में मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है, आवृत्ति को हॉर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक। अब देखिए ये जो है पूरी चक्कर तरंग की आवृत्ति क्या होगी, ये आपको बताना है, तो ये जो होगा ये 30 हॉर्ट्ज होगा, 30 हॉर्ट्ज हो जाएगा, आप निकालिएगा 30 से। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक अस्थायी चुंबक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस जो बराबर भागों में काट दिया जाता है उत्पन्न करता है, तो इस पर क्या होगा, तो इसे 2 हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, ठीक। आंसर 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से, एक अस्थायी चुंबक के किसी निश्चित पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, मान लीजिए कोई निश्चित क्षेत्र पर भी उत्पन्न करता है, यदि उसे 2 बराबर भाग में काट दिया जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी 2 बराबर भाग में कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए B/2 हो जाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B/2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए कि सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले चार लेंसों का प्रयोग एक सुसंदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है जो लेंस के किसी निश्चित तंत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसका फोकस दूरी क्या होगा? जो उसका फोकस दूरी होगा ये -5 mm होगा। क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपका अगर न्यूमेरिकल अच्छा है, आप ट्वेल्थ में साइंस लिए तो अच्छा से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होता है। जो घरेलू खाना पकाने वाली गैस होती है उसमें ब्यूटन और आइसो क्या होता है, ब्यूटन और आइसो ब्यूटन के रूप में, या प्रोपन भी कहीं कहीं दिया रहता है तो वहाँ पर भी हो सकता है, तो ये द्रवित रहता है। ब्यूटन और आइसो ब्यूटन या ब्यूटन और प्रोपन दोनों दिया रहेगा तो वहाँ पर भी आप आंसर लगा दीजिएगा, ये रहता है जो सिलेंडर में भरा जाता है एलपीजी वाला। क्वेश्चन नंबर 72 की रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा खोज किया गया था? जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन है वो खेत जो खोज किया था, प्रयोग में खोज हुई थी, वो हुई थी प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन जो जो परमाणु होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। तो विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, जिसमें विद्युत धारा जिसे वो सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है वो से विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। 73 का ये हो जाएगा। 74 देखिए, समांगी या सदिश मिश्रण क्या उदाहरण, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण आप पढ़े होंगे, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण पूछ रहा है। तो ये गन पाउडर जो है, गन वाला पाउडर, उसमें समांगी मिश्रण का, इसकी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है कि स्फटिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, स्फटिक जो होता है, स्फटिक का रासायनिक सूत्र वो SiO2 होता है, याद रखिएगा, ये BPSC में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 76 की जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? जब जो मैग्नीशियम और क्लोरीन दे रहा है तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब इसमें से पूछ रहे हैं क्या होता है, ठीक। तो जो होता है ये प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के वह तरल जो आक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, आक्सीकारण और अवकारक दोनों की तरह काम करता है, आक्सीकारक अवकारक, वो कौन सा है, वह तरल जो है वो कौन सा है, इसमें से बताना है। तो वो जो है ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये अवकारक और आक्सीकारक दोनों का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 78 के निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है, डबल है, इसके द्विबंध होता है, मजबूत होता है, ठीक। इसमें बताना है इसमें किस में है, तो O2 में। किस अणु में द्विबंधन है? क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, दहन की प्रक्रिया के निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है, ठीक है, दहन की प्रक्रिया में कौन सी आवश्यक शर्त है इसमें से बताना है आपको, ठीक। इसमें जो दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यक जो शर्त होता है जलने के लिए, दहन के लिए, वो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये जरूर होना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। 79 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो होगा नहीं, उपस्थिति होगा तभी दहन होगा, ठीक, ये तो गलत होगा। ऐसे ही पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति ये दहन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से शर्त आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन उदाहरण दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है कि कार सी जो यहाँ पर देखिए, ये दे रहा है परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु संख्या और ये परमाणु द्रव्यमान है, दोनों का परमाणु द्रव्यमान सेम है लेकिन क्या है, परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग है। मीन्स के द्रव्यमान सेम है तो ये द्रव्यमान को क्या होता है, आइसो बार होता है, इसमें क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभारिक होता है, ठीक, आइसो बार बार मिस होता है, वो मापने के लिए आपको दाब मापने के लिए बार का उपयोग किया जाता है, तो समान दाब के लिए उपयोग होता है वो, ठीक। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संभारिक, मीन्स समान भार वाला है, भार यहाँ पर देख रही है इसका द्रव्यमान समान है लेकिन यहाँ पर इसका जो परमाणु संख्या वो समान नहीं है, ठीक, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है लाल प्रकाश रंग में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिकतम दर होती है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, ये बता रहा है, तो एपीफाइट कहलाता है, एपीफाइट जो होता है, एक पौधे पर दूसरे पौधा नहीं उगने लगते हैं। एम्फीबियंस मिस क्या होता है, एम्फीबियंस मिस जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक। देखिए इंग्लिश का ही दे दिया और डायरेक्ट पूछ दिया, नहीं तो आप हिंदी में देता तो पता होना चाहिए, उभयचर जो जल और थल दोनों के समान रूप से रहते हैं उभयचर, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक, एम्फीबियंस। तो ये 83 का डी। क्वेश्चन नंबर 84 के निम्न में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपताप नहीं है, उपोत्पाद नहीं है, उत्पाद नहीं है इसमें से पूछा, उत्पाद इसमें से कौन नहीं होगा,
टिक कौन नहीं बनता है इसमें से निम्नलिखित में पौधे में उत्सर्जन के द्वारा नहीं बनता है, ये पूछ रहा है। तो ये कौन सा नहीं बनता? यूरिक एसिड नहीं बनता, टेनिन गोंद लेक्टस लेटकस ये बनता है, बाकी यूरिक एसिड नहीं बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, ये केंद्रक झिल्ली जो है ये नहीं पाई जाती है। ठीक, राइबोसोम का प्रोटीन ग्रीब बोला जाता है कोशिका को, राइबोसोम का, और लाइसोसोम का हत्या के थैली बोला जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा ग्रीब बोला जाता है। ठीक, और जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका, तो ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है उसका, यही डिफरेंट करता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। फसलों में डीडीटी का छिड़काव से प्रदूषित होता है, जो फसल है उसमें डीडीटी के छिड़काव होता है तो क्या प्रदूषित होता है? तीनों प्रदूषित होते हैं, वायु, मृदा और जल। ठीक, ये तीनों प्रदूषित होने लगते हैं। ठीक, एफ्लाइटिक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, एफ्लाइटिक्सिन टॉक्सिन नामक जो विष उत्पन्न किया जाता है वो फंगस द्वारा किया जाता है, ये फंगस द्वारा किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है मानव शरीर के किस अंग में, ये पूछ रहा है। ये फेफड़ा में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ा में। ठीक, याद रखिएगा। तो ये 88 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 89 देख लीजिए, सुमिलित युग्म नहीं है, इसमें से सुमिलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। साल्मोनेला कुष्ठ दिया ही है तो सबसे पहले ही सुमिलित नहीं है। ठीक, प्लाजोमीडियम मलेरिया, टिटनिया सिलियम, टिटिनियसिस, पैराथोर्मियम ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों सम्मिलित है ये वाला, लेकिन ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस जो होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। ये मियोसिस एक क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है ये मियोसिस। तो 90 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से आपका 10 मैथ मिलने वाला है, मैं जल्दी जल्दी आपको मैथ में बता देता हूँ, आप मैथ खुद से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये पहला क्या कह रहा है? यदि ए और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, मान लीजिए ये हो, ये क्या हो गया? ए बी मान लीजिए इसे, और इसे क्या मानते हैं आप? बी सी हो गया। ये कहाँ पर काट रहा है? ओ पर काट रहा है, इसे ओ मान लीजिए। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। कोण ए ओ सी दिया हुआ है, ए ओ सी क्या हो गया? ये वाला कोण दिया हुआ है, ए ओ सी कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें से, क्या पूछ रहा है कि ए ओ डी क्या होगा? ए ओ डी कितना होगा ये आपको पूछ रहा है कि कोण ए ओ डी, तो कोण ए ओ डी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये कितना होगा? तो देखिए, ये वाला जो होगा इसका सम्मुख कोण, ये तो बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, जब ये सम्मुख कोण होता है ये सामने वाला कोण बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, दोनों मिलाकर कितना हो गए? 60 डिग्री हो गए। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेगा कि ए ओ डी किधर है? ए ओ और डी, ठीक, ए हो गया, ये बी, यहाँ पर बी सी, ए बी बी, देखिए माफ़ कीजिएगा, ये मैं शुरू में ही गलत ले ली, ये देखिए ऐसे है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया डी, और ये हो गया सी, मैं इसे भी बी ही ले लिया था। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए ओ सी दे रहा है, ए ओ सी कितना दे रहा है? 30 डिग्री दे रहा है। ठीक, इसे ओ मान लीजिए, ओ पर बना रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर ओ, इसे ओ मान लीजिए। ठीक, 30 डिग्री ये वाला जो दे रहा है ये 30 डिग्री दे रहा है। ठीक, अब देखिए बी ओ डी, बी ओ आपको यहाँ पर सम्मुख कोण हो जाएगा, बी ओ डी क्या हो जाएगा? ये सम्मुख कोणीय भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमको क्या निकालना है, पहले ये तो हम लोग को निकालना है ए ओ डी, तो ए ओ डी क्या निकालना है हम लोग को? ये वाला कोण निकालना है, ये वाला। तो आप लोग जानते हैं कि ये कोई भी रेखा पर जो बनता है 180 डिग्री कोण बनता है, तो हमको पता है, क्या पता है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, ये वाला जो रेखा इस पर बन रहा है ना 180 डिग्री, तो ऐसे भी, तो हम लोग को ये सम्मुख कोण को नहीं जाना है, यहाँ से 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे है, हम लोग को ये पता है कि ये 30 डिग्री दिया है, तो ऐसे 180 डिग्री घटा दीजिए तो 150 डिग्री आ जाएगा, और 150 डिग्री आ जाएगा, तो ये इसमें डिग्री में नहीं दिया हुआ है, तो ये समतुल्य पूछ रहा है। तो किसके समतुल्य है ये? तो ये जो समतुल्य है ये बी ओ डी के समतुल्य है, 5 BOD के समतुल्य है। ठीक, क्योंकि बी ओ डी कितना है? 30 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, डी है, ये बी है, तो ये वाला जो सम्मुख कोण था ये भी 30 था, इसका 30 × 5 150 आया था, तो ये इसके समतुल्य हो जाएगा। आप आसानी से ये बनाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि घन के प्रत्येक भुजा को 50 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये क्षेत्रफल का बात कर रहा है, तो कोई भी क्षेत्रफल जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई गुणा होता है, या लंबाई चौड़ाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई इंटू ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है आपका फॉर्मूला। या घन का आप निकालिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला? 6 × a² हो जाता है फॉर्मूला, घन का अगर निकालते हैं क्षेत्रफल, तो ऐसे कर अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है
तो उसमें एक ही फार्मूला होता है कि आप अगर लंबाई चौड़ाई का इतना बढ़ा रहा है तो उसमें भी आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला मैंने बताया था कि x प्लस एक्स कीजिएगा, अगर एक ही है जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही दिया हुआ है, आप प्लस क्या कर लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है तो एक्स स्क्वायर बैठा में 100, ठीक है। इस पर यहाँ पर बैठा दीजिए 50% बढ़ा रहा है, 50 प्लस 50 कीजिएगा, कितना बढ़ा रहा है 50 50 50 और 50 × 50 कर दीजिए बटा में 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप आसानी से इसे निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 50 × 50 हो जाएगा कितना 2500, अब बटा में 100 है तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो 125 आ जाएगा, 125% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक 125% वृद्धि हो जाएगा। संचयी परम्परता वक्र का प्रयोग किया जाता है, जो संचयी परम्परता है उसके उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो माध्यिका के लिए किया जाता है, याद रखिएगा मेडियन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, इसमें से बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। द्विघात समीकरण होने का एक नियम है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होता है तो ये द्विघात समीकरण होता है, ठीक। तो इस रूप में हमें कौन सा मिल रहा है ये देखिए, तो ये वाला तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स अंदर रूट में चला जा रहा है और हमने यहाँ पर क्या बोला था, तो यहाँ पर बी एक्स होना चाहिए था, ठीक। मीन्स की रूट थ्री रहता और एक्स बाहर रहता तो ये हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा, ये वाला तो खत्म, साफ खत्म हो गया, ठीक। और बाकी ये सब भी देखिए, ये एक्स के पावर फोर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर फोर प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर बी एक्स वाला तो आया भी नहीं, ये भी गलत हो गया। इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो ये भी गलत होगा, ये जो आएगा यही सही आएगा, डी देख लीजिए, डी को मिलाइए क्योंकि एक्स स्क्वायर को इधर फेंक दीजिए और ए को इधर फेंक दीजिए, तो ये कैसे बन जाएगा, तो ये जो बन जाएगा ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 = 0 बन जाएगा। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर कीजिएगा तो कि सर बी एक्स नहीं है, तो बी मान लीजिए 0 है, यहाँ पर बी क्या मान लीजिएगा, बी 0 है, तो जब बी 0 होगा तो एक्स भी 0 हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 0 लिखिए, 0 अगर नहीं 0 लिखेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 यहाँ पर रख दीजिए, अब प्लस यहाँ पर 5 हो गया, ये वाला में हो गया, लेकिन इस वाला को देखिएगा तो इसका तो घात 4 हो जा रहा है, ठीक। और इसका आप देखिएगा तो इसका भी क्यूब में आ जाएगा, ये क्यूब में आ गया तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये जो करिएगा इसका सॉल्व तो आ जाएगा एस क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ठीक। तो इसका द्विघात समीकरण कौन होगा, डी होगा। और यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए कि 70,000 रुपये का स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी, जो 70,000 है यहाँ पर 70,000 रुपया है, यहाँ पर 2% से दर पर आय होगी, आय पूछ रहा है कितना होगी, तो निकाल दीजिए 70,000 यहाँ पर लीजिए स्टॉक, यहाँ पर 2% है, 2/100 निकाल दीजिए यहाँ से, कट जाएगा ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 1400 हो जाएगी, 2% पर 1400 रुपये हो जाएगी दर पर आय होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सरलीकरण है, सरलीकरण बहुत आसानी है, ये गुणा है, मीन्स कि ये दोनों को गुणा करना है, तो गुणा क्या करना है, मीन्स कि आपका यहाँ पर देखिए घात जो ये दिया हुआ है, ये एक से यहाँ पर है, ये वहाँ पर भी है, तो जुट जाता है, तो यहाँ ये 18 ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और एक्स क्यू इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस एक ही है, एक्स एक्स है, तो एक्स के पावर यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा, मीन्स कि एक्स पावर ये, और फिर वाई भी जुट जाएगा, वाई के पावर 5 + 3 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, एक्स के पावर 7 और यहाँ पर एक्स वाई के पावर 8 हो जाएगा, तो 54 एक्स का पावर 7 वाई के पावर 8 किस में आ रहा है, ये देखिएगा गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वृत्तकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, जो वृत्तकार पहिया है, ठीक, ये पहिया है मान लीजिए, यहाँ पर देखिए ये पहिया है वृत्तकार, अब एक पहिया इतना दूर में पूरा घूम कर ऐसे आएगा तो उतना देर में उसका दूरी पता चलता है, परिधि निकाल लीजिए, तो पहिया निकालिएगा, एक पहिया में इसकी पहिया जब ऐसे चल कर अपना आता है तो उतना ही ना दूरी तय करता है, ठीक, एक खाली चलेगा ऐसे कर आएगा तो इतना दूरी तय करेगा, ठीक। तो पहिए का परिधि निकाल लीजिए, परिधि कितना होता है, 2πr फार्मूला होता है, तो पहिए का परिधि अगर निकालते हैं तो फार्मूला लगा कर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर देखिए 2 × 22/7 कितना दुआ है, आर दिया है 1.75 पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मीन्स के पॉइंट के बाद 2 है तो 175 यहाँ पर बच जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, इसे काटम कुटम कीजिएगा तो 11 मीटर आ जाएगा बचकर, मीन्स के 11 मीटर कर रहा है क्या, एक पहिया जो चल रहा है एक खाली में चल रहा है तो ये 11 मीटर चल रहा है, एक तो एक क्या एक, जो दे रहा है 11 मीटर दे रहा है तो 11 किलोमीटर चलने के लिए पूछ रहा है, तय किए तो चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में 11 मीटर चल रहा है तो इसे मीटर में दिया, ये किलोमीटर में है आया है हम लोग का मीटर में, तो इसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो 11 × 1000 कर दीजिए, ये मीटर में हो गया और ये 11 मीटर है, यहाँ से 11 खत्म हो गया तो 1000 मीटर आ गया, तो 1000 मीटर चलकर ही 11 किलोमीटर वो चलेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 97 का आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक्स और वाई प्रमेय संख्या है तो और उसका इतना। देखिए पहले नंबर क्या कीजिए कि इस क्रम में निकालिए, एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स क्रम में निकाल दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो इसको प्रमेयीकरण कीजिए। प्रमेयीकरण क्या कहलाता है कि जो नीचे वाला होता है इसका ये बदल कर, साइन बदल कर नीचे ऊपर दोनों गुणा कर दिया जाता है। ठीक, इसे गुणा कीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर आप सारा बनाइएगा तो ये कैसे निकल कर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35/35 - 13/35 अंडर रूट 11। देखिए ये यहाँ ये निकल कर आएगा। ठीक, तो ये निकल कर जब इतना वैल्यू आएगा तो यहाँ रूट 11 दिया हुआ है, यहाँ पर रूट 11 है इंटू में, तो यहाँ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 13/35 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 37/35 हो जाएगा। ठीक, और लेकिन माइनस प्लस देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये आया था आपको एक आया था क्या फिर से मैंने बताया क्या बताया 37/35 - 13/35 रूट 11 आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर आपको 37/35 यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर दे रहा है प्लस में दे रहा है, प्लस में दे रहा है, प्लस दे रहा है तो प्लस पर निकालिएगा तो दोनों का आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या निकालिएगा ये देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये 37/35 और एक तो आ ही रहा है 37/35 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर निकाल कर अब देखिएगा। ठीक है, प्रमेयीकरण कर निकाल कर देखिएगा, मैं देखिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रमेयीकरण कीजिए, ऊपर नीचे इसे गुणा कर दीजिए, इससे इसको साइन चेंज कर दीजिएगा क्योंकि प्रमेयीकरण होता है तो साइन चेंज हो जाता है, और फिर आप वैल्यू इसी क्रम में निकालिएगा इस तरह से, तो आपका यहां से ऐसे बैठा कर आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि आयताकार हॉल की लंबाई, लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई इतना है। तो फिर आयताकार हॉल है मान लीजिए, इसका पूछ रहे लंबाई क्या दिया हुआ है 24 मीटर और इसका विकर्ण दिया हुआ है 26 मीटर। तो हमको सिंपल सी पता है कि आयताकार का ये जो होता है ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और जब 90 डिग्री का होता है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट में डालकर भी आप निकाल सकते हैं कर्ण बराबर रूट में कर्ण निकालने के लिए ये होता है ना, तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है बेस निकालना है, तो इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर रूट में घटा देंगे तो हमको बेस निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बेस निकालिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर, ये आ जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है ये 26, ये 24, ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, तो 10 मीटर आ गया, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई जो दिया हुआ है 24 दिया है और आपको चौड़ाई आ गया है, इसके बेस आ गया है चौड़ाई जिसे हम लोग बोलते हैं 10, तो 240 मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई ही ना क्षेत्रफल होता है आयतकार हॉल का, तो 240 भी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें भी गुणा भाग करना है, भाग का ये चिन्ह है, तो भाग करना है तो क्या होता है जब समान समान बेस होता है तो वो माइनस में हो जाता है। देखिए इससे और इसमें समान बेस है इसे भाग दिएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर घात माइनस में हो जाता है और गुणा में क्या होता है घात प्लस में हो जाता है, और ये भी समान है तो इसका कीजिएगा भाग तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बनाइएगा तो यहाँ पर ऐसे निकल कर आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3n और इसमें यहाँ से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 का 3 n माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -n - 1, तो यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा 3 के पावर -1 हो जाएगा, और 3 के पावर -1 माइनस ये प्लस में हो जाएगा। फिर से देखिए अगर पहले हम लोग छोटा छोटा कर यहाँ भागा कर रहे हैं, पहले इसको इसमें भागा कर दीजिए, इससे भागा कीजिए। ठीक, तो 3 के पावर n में भागा करेंगे 3 के पावर ये माइनस, ये माइनस यहाँ होता है भागा करने पर और n ये माइनस है प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा और ये 3 के पावर 1 बच जाएगा, मीन्स कि इसको सॉल्व करने का 3 के पावर 1 बचा है, 3 के पावर 1 मीन्स कि 3 ही हो गया। और फिर अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो देखिए 9 के पावर n + 1 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो इसको माइनस कर लीजिए, जब भाग जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो 9 के पावर 2 हो जाएगा, तो 9 81 हो जाएगा, 81 और 3 * 3 तो 3 + 24 = 243 आंसर, 243 ऑप्शन में है, ये बी लगा लीजिएगा। ठीक, इसे घर पर आराम से बैठ कर बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, जो क्या होता है घात में क्या होता है, घात में ये होता है कि जैसे कि आप अगर घात सेम है गुणा करते हैं तो ऊपर का घात जुट जाता है, अगर घात सेम इसकी बेस सेम है, ये बेस घात नहीं बेस सेम है, और उसका घात क्या होता है उसके बारे में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स दिया हुआ है इसका घात दिया है 5 * एक्स ही दिया है, मीन्स कि ये देखिए बेस सेम है, इसका घात 6 दिया है, और गुणा हो रहा है तो यही दोनों क्या होता है जुट जाता है, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर 11 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स का पावर 6 दिया हुआ है और भागे दिया हुआ है क्या एक्स का पावर 5, अब भागा देता है ना, सेम बेस सेम ही है आधार,
और इसका जो घात होता है ये घट जाता है, तो इसमें से घट जाएगा तो x का पावर 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो x का पावर 1 हो जाएगा। तो ऐसे कर कर ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक। मैं जब मास्टर वीडियो कराऊंगा तो ऐसे कर कर सारा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो ये 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 का आंसर 243 मैंने जो लाया वो बी हो जाएगा इसका आंसर। ये 100 क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन में डाउट है जो भी मैथ हो या ये हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं अगला वीडियो में उसे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।